एंड आई स्पेशल थैंक्स टू अदिवी शेष जिन्होंने ऐसा मूवी उन्होंने हमारे लिए बनाया। हमें पता चला संदीप उन्नीकृष्णन जी के बारे में, किसी को पता नहीं था। और मूवी ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक तालियां बजी थी सबके लिए। अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड थैंक्स टू मेक दिस फिल्म। सर अदिवी शेष की एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अगर आप उनकी पहले की मूवी देखोगे येवरु और गोडाचारी, उससे भी बेस्ट, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने दबंग 3 किया था, उसमें भी एक्टिंग अच्छी थी। लेकिन ये मूवी सुपर, पूरी जो भी हमारे है हिंदुस्तान, जो भी है इंडियन, उसे ये मूवी देखना चाहिए। इट्स अ माइंड ब्लोइंग। मूवी ये स्टार में दे नहीं सकता, मतलब ये मूवी का लेवल इतना हाई है, 10 out of 10 जो भी हो। ओवरऑल मूवी कैसी लगी आपको? मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड आई थिंक यंगर जनरेशन को देखनी चाहिए। अदिवी शेष की एक्टिंग कैसी लगी सर आपको? काफ़ी अच्छी एक्टिंग है और उन एज ए न्यू कमर उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है, मतलब रोल किया है और बिलीवेबल है काफ़ी। सर 2611 टेरर अटैक के जो हमारे शहीद थे संदीप उन्नीकृष्णन, तो उनके ऊपर ये मूवी थी सर, आपको लगता है अपना रोल जस्टिफाई किया? बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है और मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, ये 2008 की बात है। ये पूरा इंसिडेंट जो है मैंने खुद टीवी पे देखा था, एट दैट टाइम आई वाज वेरी स्मॉल, तो मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी कि मतलब मीडिया में इस चीज़ को लेकर कितना मतलब सेंसिटिव होना चाहिए मीडिया को। सो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से दिखाया है फिल्म में। एंड नाउ अडेज आई थिंक मीडिया थोड़ी सी ज़्यादा उससे सेंसिटिव है। काफ़ी अच्छी एक्टिंग है और उन्होंने काफ़ी वर्क किया है अपने रोल के लिए, एटलीस्ट मतलब वो स्क्रीन पर जो आते हैं और स्टोरी को जब हम लोग एक वो करते हैं कैरेक्टर के जो अंदर जाते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया है। आई विल गिव इट 4 out of 5। हाँ सर, फिल्म कैसी लगी आपको? सर रिलेट कर पा रहे हैं? बहुत अच्छी फिल्म है, आउटस्टैंडिंग। और दूसरी बात ये सर, मैंने अभी कुछ देर पहले यही कहा है कि ये इससे पहले भी बहुत फिल्में बनी, वेब सीरीज़ भी बनी, बट इस फिल्म को दिखाने का तरीका कुछ अलग था। और हर एक सीन आप देखोगे ना तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं या कुछ छूट रहा है हमसे, स्मूथली चल रहा है। और इमोशन को उन्होंने कैप्चर किया, हर एक मोमेंट को कैप्चर किया कि, और हम इंडियन होते हैं, हम आम लोग जब चीज़ को देखते हैं कि भाई आर्मी लोगों की लाइफ क्या है, नेवी लोगों की लाइफ क्या है, तो वो चीज़ को, और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने लोगों को बचाया कैसे, हर एक चीज़ का मूवमेंट, डायरेक्शन इज़ अ वेरी गुड, एक्टिंग वाइज साई मांजरेकर का जो भी कैरेक्टर था अच्छा था, प्रकाश राज वेरी गुड। ओवरऑल मूवी की बात करें, ओवरऑल मूवी आउटस्टैंडिंग और लिटरली सर मैं रोया हूँ। सर और भी दो मूवी सर पर्सनली, अभी मैंने पृथ्वीराज और विक्रम देखी नहीं है, बट आई होप कि वो भी अच्छी होंगी क्योंकि पृथ्वीराज बहुत बड़े योद्धा थे तो उनके लाइफ के ऊपर है। बट मुझे लगता है कि मेजर वॉज अ नाइस मूवी और लोग ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, तो मे बी सर 5 star। थैंक यू। मेजर बहुत ही बढ़िया मूवी है और इन्हीं के कारण बॉलीवुड जो है चल रही है। और मैं बोलना चाहूँगा कि हर फैमिली अपने बच्चों के साथ आकर के ये मूवी को यहाँ पर देखें, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून, एक उत्साह पैदा होता है कि आई वांट टू बिकम ए सोल्जर, मैं देश के लिए जान दे दूँगा और कुछ करना है देश के लिए। तो इसमें साई मांजरेकर का काम आपको कैसा लगा? मैम दोनों ने, एक्टर एक्ट्रेस दोनों ने अपनी 110% दी है इसमें। ओके, सॉन्ग्स और अगर डायलॉग्स की बात करें कैसे लगे? मैम बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया डायलॉग थे और मतलब 5 star। सेम डे पे और दो मूवी रिलीज हो रही है तो क्या लगता है कि कब जाएगी मेजर? उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, वो तो लोगों पे वो करता मैम। जैसे देखिए जो देश प्रेमी है उनके लिए सर मेजर जो है वो मेजर देखेंगे, बाकी सब आप जान सकते हैं सबकी पसंद के ऊपर है, बाकी मेजर जो मूवी है दिल छू गई है। कैसे लगी? ठीक है, मैं 3 बातें इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ। पहला तो ये कि हमारा ऑडियंस जो कश्मीर फाइल्स और ऐसे मूवीज़ के लिए थ्रॉन्ग करता है, हर एक एम्प्टी सीट जो सिनेमा में थी वो
मुझे टॉन्ट कर रही थी, मुझे टीज कर रही थी कि हमारे लोग कहाँ है, हमारे लोगों की मेमोरीज को क्या हो गया, हमारे लोगों की इमोशंस को क्या हो गया, क्यों ये थिएटर भरा हुआ नहीं है, इतना जल्दी हम भूल जाते हैं। ये इतना अच्छा मूवी है, हर इंडियन को ज़रूर देखना चाहिए। इतना बार मुझे अंदर से पूरा झंझोर दिया इस मूवी ने। और हम लोग अभी मुंबई में हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि कुछ 10 लोग थे, मुझे बहुत ख़राब लगा। दूसरा बात मैं बोलना चाहता हूँ, पहले मैं मूवी के बारे में बोलूँगा। मूवी में एक्टिंग बहुत बहुत क्लासी है, प्रकाश राज सर, रेवती मैम, आदिवी और साई, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले कहीं कहीं पे शुरू में क्लीशे उन्होंने लिखा था कि शायद लव स्टोरी में डेवलप करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने यूज़ की, जैसे वो मैं रिवील नहीं कर सकता, पर वो थोड़ा सा मूवी जैसा लगा। लेकिन जहाँ पे भी एक्शन उन्होंने जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया है उसमें कहीं भी ये नहीं दिखा सकते कि ओवर द टॉप, उसके बाद भी इतना अच्छा ग्रूसम रियलसम है कि अगर एक लड़का हमारे जैसा लड़का वहाँ फंसा हुआ है होटल में और वो लड़ रहा है उन टेररिस्ट से, वो आप फील कर सकते हो एज ए ऑडियंस। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं खुद आर्मी में जाना चाहता था, तो आई कुड सी माई सेल्फ इन दैट, अगर हो सकता था कि मैं उनकी जगह होता। मेरा कब से ऐसा ड्रीम था, हम शेरशाह को देखते हैं, इनको देखते हैं, हमारे लोगों को क्या हो गया, हमारी मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों के पास सिर्फ यही एक चीज़ बची है कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं डिबेट। उस समय भी मूवी में भी दिखाया गया है कि हमारा सारा मीडिया सबसे बड़ा विलन था इस मूवी में, जिसकी वजह से हमारे लोग मरे। खुद टेररिस्ट ने हमारे मूवी, टेररिस्ट ने हमारे चैनल्स की वजह से देखा और हमारे लड़के मर रहे थे। जो कमांडोज, जो वो एक डायलॉग है वो कहते हैं इस मूवी में कि अगर सबकी माएँ ऐसा सोचेंगी तो कौन जाएगा देश पे लड़ने। और मैं खुद लड़ता था, मैं बचपन में लड़ता था, मैं मॉम एंड डैड से कहता था कि मुझे जाना आर्मी में, ठीक है मुझे नहीं जाने मिला, मैं मरीन ज्वाइन किया, नेवी ज्वाइन किया, मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। लेकिन मैं खुद भी अभी भी मैं फील करता हूँ इन लोगों के लिए जिनकी माओ ने भेजा अपने बच्चों को और ये फाइट कर रहे हैं अपना, हम लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, किनके लिए? और हम लोग हैं कौन? हम लोग शाम को बैठ के डिबेट देखते हैं, डिबेट देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ प्रेयर। और इस तरह मतलब तो ये हो गया ना कि मेजर संदीप ने तो ही लिव फॉर नथिंग, ही डाइड फॉर नथिंग। इतनी बार मुझे रोना आ गया इनकी बात देख के, इनका एक्टिंग देखिए, आप प्रकाश सर का जो बचपन से उन्होंने दिखाया है, एक एक छोटा छोटा सीन उन्होंने शुरू से मना किया अपने बेटे को जाने के लिए, कोई बात नहीं चाहता अपने बेटे को आर्मी में भेजना, लेकिन वो उसकी झील थी, मेजर संदीप की झील थी कि वो गया। और हम लोगों को शेम ऑनस कि अगर हम उनके उनकी वेरी गुड मूवी, आई एम टेलिंग यू, मतलब मेरी बात सुनो, वो लड़का मेजर संदीप, उसने जो सिनेमाटोग्राफी है ना, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो बच्चा देख रहा है डैडी के कंधे में बैठ के, सडनली नेवी डे दिखाते हैं, वहाँ से ड्रीम उसका शुरू होता है कि वो नेवी में जाना चाहता है, नेवी से रिजेक्ट होता है, वो नैने सी में जाता है। ये हमारे हीरोज हैं और हम लोग डिबेट देख रहे हैं, यार हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग इनकी इन्होंने किसके लिए जान दी है, हमें बचाने के लिए। और हमारी मीडिया ये नहीं देख सकती कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हमारे पॉल्यूशन हटे, हमारे ऐसे फैक्ट्रीज लगे ताकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बेटर वेपन मिल पाए, हमारे डिफेंस सिस्टम बन पाए। एक जापानीज, एक कोरियन, एक कैनेडियन, एक यूरोपियन बैठ के मजे से रह रहा है, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रांग है। हमारे यहाँ पे कुछ माँ है जिनके बच्चे में इतनी वीरता है, जो जाके यहाँ लड़ रहे हैं, कम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, अकेले गया वो ऊपर, एंड ही सेड डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, मुझे नहीं देना इंटरव्यू यार, जाओ। अरे यार क्या है, हम लोग सिर्फ DRP, वो यही बोल रहे थे टीवी, उसमें भी मूवी में भी डायलॉग है, उनके सीनियर बोलते हैं कि मैं लिखा हो डाला इतना है, उनको नहीं जाना था मिशन पे, वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे, लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर मैं जानता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ मरीन इंजीनियरिंग में लोगों को, मैं जानता हूँ
कि जब जी आप ट्रेन करते हो, जब आपके स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, कैप्टन चीफ इंजीनियर जो पढ़ रहे होते हैं, और जब आप फ्रंट पे होते हैं, आपको प्रूव करना होता है कि जो आपने ट्रेन किया वो आप करके दिखा सकते हो या नहीं। और उसने दिखाया, उसने कहा कि नहीं मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। उसको जाना भी नहीं था उस मिशन पे यार, और वो गया, वो उसे वो जज्बा है यार, वो उसे देखो सब लोग जाके, प्लीज यार मेरा रिएक्शन मत देखो, उसे देखो, हॉल भर दो इसको यार। और ये कौन सी मूवीज देख रहे हैं हम लोग, हमें कहाँ जाना है, दूसरे लोग कहाँ पहुँच जाएंगे दुनिया के, और हम लोग कहाँ रह जाएंगे, डिबेट देखते रह जाएंगे यार। मीडिया क्या कर रहे हो, इसलिए जान दे रहे हैं हमारे लोग हीरोज आके। उसमें आपको कहीं ना कहीं किसकी गलती लगती है? अरे यार सबसे बड़ी जयचंद मीडिया है, कबीरी कुत्ती है साली, ये साले रोज शाम को आ जाएंगे और बोलेंगे कि साले तुम्हारा ये है। अरे वो हमारे लोग है यार, हमारे लोग है, हम लोग यार एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। एक कोरियन, एक जापानीज, एक यूरोपियन बंदा बैठ के आराम से कॉफी पी रहे, एसी में रह रहे, हमारे माँ बाप को हम एसी के कमरे नहीं दे पा रहे, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी रोड, हमारी मेट्रो इतने साल से नहीं बनी यार। बात चाइना में देखो क्या डेवलपमेंट हो गया, दुबई में देखो यार, हम लोग क्या डिबेट देख रहे हैं, पागल है हम लोग। और हमारे लड़के यहाँ पे, जब उनके लोग आते तो हमारे लड़के आके यहाँ पे उनसे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उसके अलावा मैं सारे ब्रिटिशर्स को, कमीनों को गाली देना चाहता हूँ, उन्होंने कंट्री का विभाजन किया, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम डाला, इंडिया पाकिस्तान डाला। सबसे गंदे ये लोग हैं साले यूके वाले, इनके लिए कोई एक शब्द नहीं बोलता क्योंकि ये अमीर है, ये मीडिया दबा देते हैं, ये हमारे दुश्मन है। कोई हमारे इंडियन पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कोई बुरा इंसान नहीं है, हम भाई हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं हम। इन्होंने हमें करके गए और हम बेवकूफ बने जा रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम लोग जब पैदा हुए थे उस दिन से आज तक हमने, हमें किसने मार दिया हमारे की, तुम लोग गए भी हो एक बार मंदिर में यार, हम जाते तक नहीं है, छः महीने में साल में एक बार मंदिर जाते हैं हम, लेकिन हम रोज डिबेट देखते हैं। इसके बदले अगर हम उसे थोड़ा देर पढ़ाई कर ले या थोड़ा देर कुछ काम करें, हमने देश को आगे बढ़ाए, ताकि हमारे सोल्जर्स को ऐसे ना मरना पड़े, हमारे डिफेंस सिस्टम अच्छे हो सकते हैं। आज फ्रांस में घुस सकते हो क्या तुम ऐसे जैसे हमारे इनके कमांडोज आ गए? हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है, वो हमारे लिए मरा यार वो, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? जाओ प्लीज जाओ यार जाओ।